हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुनील टेक पॉइंट। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है कि आप कोचिंग लगा सके, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तक के खबर में आप देख सकते हैं, अभ्युदय योजना जो कि फ्री कोचिंग सर्विस आपको यहां पर फ्री में दी जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना लागू की गई है, जो कि सभी लोगों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने का ये योजना है। इस योजना में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप ये ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन कोचिंग यहाँ से फ्री में ले सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मकसद ऐसे छात्राओं की मदद करना है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो कोचिंग नहीं लगा सकते हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये योजना लागू की गई है, जहां से वो फ्री में कोचिंग ले सकते हैं और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं कोचिंग लगाने के लिए, तो आप इस योजना के तहत फ्री में कोचिंग ले सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इस योजना के तहत आप कौन कौन से एग्जामिनेशन की फ्री कोचिंग ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप UPSC का एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत कर सकते हैं, और UPPSC की भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, UPSSC का भी तैयारी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप इस योजना के तहत फ्री में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस योजना के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे और किस तरीके से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस योजना में फ्री में रजिस्ट्रेशन कर पाए। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ेगा उत्तर प्रदेश, बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, ये एक अभ्युदय योजना का वेबसाइट है, जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश छात्राओं के लिए ही ये योजना लागू की गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्रा हैं तो इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी स्टेट के स्टूडेंट इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते। स्क्रॉल डाउन करने पर आप पॉपुलर सेशन देख सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक नया पोर्टल है, इसलिए अभी इसमें मेंटेनेंस करना बाकी है, तो अभी इसमें रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में आपको चार प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहला आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिलेक्शन करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सेलेक्ट एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा, उसके बाद फाइनल में आपका अकाउंट क्रिएट कर लिया जाएगा और आप इनरोल करके अपना एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। आपको रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे क्लिक करने के बाद आपके सामने पहला प्रोसेस आ जाएगा, जहां पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ज़्यादातर ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए ये एग्जामिनेशन आप यहां पर देख पाएंगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किसी एक एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ, जो कि अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपको नेम टाइप करना है, ईमेल आईडी टाइप करना है, फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद आपको अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिवीज़न है उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ तक स्टडी किया है। उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि हमने अदर एग्जामिनेशन सेलेक्ट किया था, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं SSC पर क्लिक कर देता हूँ, और आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिल जाएगा कि आपको रोल नंबर टाइप करना है। अगर आपने कभी भी SSC का एग्जामिनेशन नहीं दिया है, तो आप इस बॉक्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना होगा, जो भी आपका एड्रेस है उसे आपको टाइप करना है, जैसे कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपना एड्रेस टाइप करना होगा, जो कि फुल एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट क्रिएट कर लिया जाएगा, और आप यहां पर देख सकते हैं यू आर नाउ सक्सेसफुली इनरोल। पहले आपको अकाउंट वेरीफाई भी करना पड़ता था, लेकिन अब ये प्रोसेस हटा दिया गया है, सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना है और आपका अकाउंट क्रिएट कर लिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा है, मैंने लाइव करके दिखाया है और मेरा अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो ईमेल आईडी आपने टाइप किया था, उसी ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना एग्जामिनेशन की कोचिंग फ्री में यहां से ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग किस तरीके से करना है और इसके आगे का प्रोसेस बताऊं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का प्रोसेस जरूर बताएंगे, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।